सब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और जेठालाल ठग लाइफ बेस्ट ऑफ TMKOC ओल्ड एपिसोड्स बाय विवेक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई बी एंजॉयिंग जेठालाल के कुछ मूवमेंट्स एंड ऑल, क्योंकि लंबा समय हो गया राइट हमारे चैनल पे ये नहीं आया था. सो फ्रेंड्स चाय हेलो नाम रवि नाइक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. या किसको फोन कर रहे हो तू, पुलिस का? अरे नहीं नहीं पुलिस को फोन नहीं किया जेठालाल, ये तो किसी पनौती को फोन किया. फंस गया. पनौती कौन है? इधर क्या आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा. जेठालाल ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है. बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई चल. टप्पू जिद नहीं करते खा ले. बाजू में रहिए ना. ये देख बहू टप्पू खाना नहीं खा रहा है. टप्पू ये गलत बात है. अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए. तो बापूजी ने बचपन से सब सब्जी खाई है तो देख कैसी है बॉडी. खत्म गया. वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास. अच्छा 2000 years later. ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास. अच्छा. 6.5 hours later. और दोनों कहाँ है? आस पास. ये आस पास कहाँ होगा? Run. हेलो. हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट डर. हाँ अबू जी गाँव से नाथिया का फोन है. किसका? नाथिया. ये डोबा मुझे पता है नाथिया कौन है. आपका साथिया है? चलिए छोड़िए सेठ जी, आइए गन्ने का रस पीते हैं. यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस के पड़े हैं? लंका? आप अपने आप को रावण समझते हो? मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ. सूरज अस्त, हम सब मस्त. दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता. खत्म गया. हाँ ये बहू लेकर आई है मेरे लिए. वाह भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है, खूब सेवा करती है मेरी. और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बापू जी. नाश्ता कर ले. पर लाल तुमको कितनी बार बोलने का कि पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है. साइंस. तो अय्यर भाई ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? गंजे सफर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? म्यूजिक. टप्पू मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ. पापा मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है वरना. वरना क्या? वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. अरे तू क्या तेरा बाप भी स्कूल जाएगा? ओके आप जाना. बात बन छोटा खोटा बात बन, वरना है तो बाप बन छोटे थोड़ा शाम. अच्छा खेले हम लोग. तुमको भी श्री लगा है जेठालाल के पीछे. देखो हाँ वो जानते हैं मुझे. हेलो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक. हेलो टप्पू के पापा. हाँ मैं ही हूँ बोलो. आई लव यू आई लव यू आई लव यू. ये शायरी तुमने बनाई है? हाँ टप्पू ने सिखाई है. ठीक है तो एक शायरी मेरी तरफ से भी सुनो. बोलिए. सेम टू यू सेम टू यू सेम टू यू. नॉनसेंस. कौन सी बात बताइए ना. आज आप सच बता रहा हूँ एकदम आप आज
आइटम लग रहे जी। चलना है सब क्या हुआ ये सब? ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। तू भी सोनू से राखी बंधवा ले? नहीं। क्यों? क्योंकि सोनू टप्पू की फ्रेंड है और टप्पू से राखी नहीं बंधवाएगा। नहीं टप्पू, हम फ्रेंड्स नहीं है। देखा, हम बेस्ट फ्रेंड्स है। देखा। पिक्चर जी? कौन सा? घर वाली से अच्छी बाहर वाली। आपने तो मेरे दिल की बात जी, मतलब अभी चलता हूँ। लेकिन जेठालाल, हमारे पास में सिर्फ दो ही टिकट हैं। अच्छा, तभी आप क्या करेंगे? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ओह गॉड, मतलब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम कितने भी बार देख सकते हैं, और कितने भी बार, मतलब इतने सारे ठग लाइफ। कहीं कहीं पे बेचारे जेठालाल का ठग लाइफ होते हुए भी वो ही खुद ही फंस गया था। पनौती के टाइम पे बोलो, फिर तू क्या, तेरा बाप भी स्कूल जाएगा तो जाओ फिर। ये तो टप्पू का ठग लाइफ हो गया उस हिसाब से देखा जाए तो। बापू जी का बहू का है, क्या नाम लिया उसने, किसके पास, कंचन कुछ ऐसा नाम लिया उसके पास, वो दोनों का है आसपास। अब है क्या, चल क्या रहा है। मतलब इनके पुराने एपिसोड फिर भी रिपीट में देख सकते हैं, ऐसा टाइप का एंटरटेनमेंट था। शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो ये कॉमेडी शो था ना, इसके आसपास कोई और शो अब तक तो नहीं आया है। मेरे को तो याद भी नहीं कोई ऐसा शो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टक्कर दे, या जो आ चुका है इसका रिप्लेसमेंट बन चुका है। वो एक अलग ही शो है जो मजा आ रहा था। अभी थोड़ा सा चेंजेस जब से हुआ है ना, लाइक जब से दया बहन गई, फिर बहुत सारे चेंजेस इन्वॉल्व हुए, तो तब से उतना मुझे पर्सनली मजा नहीं आ रहा। बट जब ओल्ड एपिसोड है ना, वो खतरनाक है। यहाँ मेरी लंका जल गई और तुमको गन्ने के जूस की पड़ी हुई है। अब अपने आप को रावण समझते हो? बागा नहीं, ऐसे तो जेठालाल है, बागा ये बागा। सीरियसली दिस इज खतरनाक थ्रू आउट एंजॉय की, और ये मैं कितना भी देख सकती हूँ। बहुत दिनों के बाद जेठालाल पे रिया के, आई मीन तारक मेहता को चश्मा पे रिया के, आई गेस एक साल या कुछ, मुझे याद भी नहीं है अभी मैंने कब रिएक्ट किया था। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मियाले।